नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। हनुमान जी की चमत्कारी अष्ट सिद्धियों और नव विधियों का रहस्य क्या है, आइए आपको बताते हैं। लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए चमत्कारी टोटके को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पवन पुत्र हनुमान को अष्ट सिद्धि और नौ निधियों का स्वामी कहा जाता है। निधि का अर्थ है धन या ऐश्वर्य होना। निधियाँ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो बहुत ही कम लोगों के पास होती हैं, जिन्हें पाना अत्यंत दुर्लभ होता है। निधियों को प्राप्त करने के लिए घोर तप करना पड़ता है। ब्रह्मा पुराण में और वायु पुराण में कई निधियों का उल्लेख मिलता है। उनमें से नौ निधियाँ मुख्य होती हैं। ये नौ निधियाँ हनुमान जी के पास हैं। आखिर क्या है ये नौ निधियाँ, आइए आपको बताते हैं। और इन्हें कैसे मिली ये भी आपको बताते हैं। दरअसल माता सीता ने वरदान के रूप में नौ निधियाँ हनुमान जी को दी थीं। पहली निधि है रत्न, किरीट। किरीट का अर्थ होता है मुकुट। हनुमान जी का मुकुट बहुमूल्य रत्नों से जड़ा है। हनुमान जी को माता सीता ने दिया था ये मुकुट। इस मूल्यवान मुकुट को संसार में और किसी के पास नहीं देखा गया है। देवताओं के राजा इंद्र का मुकुट भी हनुमान जी के रत्न किरीट से अधिक मूल्यवान नहीं है। दूसरी चीज़ है कियूर। ये आभूषण जो पुरुष अपनी बाहों में पहनते हैं उसे कियूर कहा जाता है। कियूर को भुजबंध या बाहुबंध भी कहते हैं। हनुमान जी अपने दोनों हाथों में माता सीता के द्वारा दिए गए बहुमूल्य कियूर को पहनते हैं, जो उनकी सुरक्षा का काम करते हैं। तीसरा है नुपुर। नुपुर है जिसे पैरों में पहना जाता है। महाबली हनुमान जी माता सीता के द्वारा दिए बहुमूल्य नुपुर को अपने दोनों पैरों में पहनते हैं। इन नुपुरों से निकलने वाली आभा से हनुमान जी के शत्रु नेत्रहीन हो जाते हैं। चौथा है चक्र। जब कभी चक्र का नाम आता है तो हमें भगवान विष्णु या कृष्ण याद आते हैं, लेकिन पुराणों में हनुमान जी के चक्र का वर्णन मिलता है, जो कि उन्हें माता सीता के द्वारा दिया गया था। राजस्थान के अलवर जिले में चक्रधारी हनुमान जी का मंदिर है। जगन्नाथपुरी के अष्टभुज हनुमान जी की मूर्ति में हनुमान जी चार भुजाओं में चक्र धारण किए हुए हैं। पांचवा है रथ। हनुमान जी एक दिव्य रथ के स्वामी हैं, जो कि उन्हें माता सीता द्वारा दिया गया था। इस रथ पर युद्ध करते समय हनुमान जी को कोई परास्त नहीं कर सकता। छठा है मणि। हनुमान जी को संसार की सबसे बहुमूल्य और कीमती मणियों का स्वामी कहा जाता है। उन्हें माता सीता के द्वारा दिया गया था ये मणि का उपहार। सातवां है भार्या। हम लोग हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन हनुमान जी को सूर्य देव से अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त थीं। जी हाँ, ये कुछ ऐसी सिद्धियाँ थीं जो केवल गृहस्थ व्यक्ति को मिलती हैं। तब हनुमान जी ने सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला से विवाह किया था। आठवां है गज। गज की निधि को सबसे दुर्लभ निधि कहा जाता है। गज को हिंदू धर्म में चार सबसे पवित्र जीवों में से एक माना जाता है। हनुमान जी की गज निधि को उनके बल के रूप में माना जाता है। हनुमान जी में असंख्य गजों का बल है। कहीं हनुमान जी में 1,000,000 गजों के बल का वर्णन मिलता है। और दोस्तों, नौवां है पद्म। हनुमान जी पद्म निधि से भी संपन्न हैं। इस निधि से संपन्न व्यक्ति सात्विक गुण युक्त होता है। ये नौ निधियाँ हनुमान जी को माता सीता द्वारा दी गई थीं। तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान को आठों सिद्धियाँ गरिमा, लघिमा, अणिमा, महिमा, इषित्व, वशित्व, प्राप्ति एवं प्रकाम्य प्राप्त थीं। आवश्यकता अनुसार समय पर उन्होंने इनका प्रदर्शन और उपयोग भी किया। कभी उन्होंने लघु रूप धारण कर लंका में प्रवेश किया, कभी विशाल आकार ग्रहण कर दुष्टों को भयभीत किया, कभी हल्के से छोटे प्राणी बनकर आकाश भ्रमण किया। इन सिद्धियों के ज्ञाता एवं दाता दोनों ही हैं हनुमान जी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसके कमेंट सेक्शन में जय राम, जय श्री हनुमान जरूर लिखें।